तो फ्रेंड्स, इस प्रोसीजर को स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे लेना है कस्तूरी हल्दी, जिसे कि हम सभी जानते हैं वाइल्ड टर्मरिक के नाम से। और कस्तूरी हल्दी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं हमारे स्किन के लिए, साथ ही साथ हमारे जब हम इसे इंटरनली इंटेक करते हैं तब भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कस्तूरी हल्दी नहीं लेना है, कुछ हाफ़ टेबल स्पून के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कस्तूरी हल्दी ले लीजिए, हाफ़ टी टेबल स्पून अकॉर्डिंग। कस्तूरी हल्दी में एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जिससे कि हमारे जो स्किन पे एक्नी होती है या स्कार होते हैं या सनबर्न की जो परेशानी होती है उसे ख़त्म करने की बहुत ही अच्छी क्षमता रखते हैं। ये एक लाइटनिंग एजेंट का भी काम करती है, हमारे स्किन से जो डार्क सर्कल हैं उसे भी ख़त्म करती है। और मैं यहाँ पर ले रही हूँ गोल्डन मास पाउडर, जो मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही थी दोस्तों, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो ये गोल्डन मास पाउडर आपको इजीली अमेज़ॉन से मिल जाएगी, आप यहाँ पे कस्तूरी हल्दी में इसे ऐड कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने इस पैक को यूज़ किया अपने फेस पे, तो फेस पे से ना जितनी भी डेड सेल्स होती है वो रिमूव होती है, साथ ही साथ जो आपके फेशियल हेयर है ना बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एवर यूथ का जो पील ऑफ नेचुरल ग्लो है इसे लिया है, और ये एक से मतलब आपको 14 या 15 रुपीज़ में मिल जाती है। और ये पील ऑफ मास्क काफ़ी अच्छा है और इसे मैं यूज़ कर रही हूँ इसी के अंदर। जैसे कि अगर आप कोई पील ऑफ मास्क प्लेन यूज़ करते हो ना, तो दोस्तों इस तरह से ज़रूर एक बार इस्तेमाल करिएगा। अच्छा जी, मैं आप लोगों को बता दूँ, जैसे कि सर्दियों का मौसम शुरू है और स्किन अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई है ना, तो आप इसके अंदर हाफ टेबल स्पून ग्लिसरीन ऐड कर सकते हैं, या फिर कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या फिर बेसन का आटा ही लगा सकते हैं इसके अंदर। बेसन अगर सूट ना करे तो आप यहाँ पे चावल का आटा भी डाल सकते हैं। जैसे कि मेरे पास गोल्डन मास्क था, जैसे वो पाउडर वाली, अगर आपके पास नहीं है तो बेसन या फिर चावल का आटा डाल लीजिए। और ये इसके अंदर आपको पोटैटो का जूस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो कैसे होता है, आपकी जितनी भी जो डेड सेल्स होती है वो रिमूव करते हैं, जो दाग धब्बे होते हैं वो रिमूव हो जाएंगे। इस पेस्ट को आपको इस तरह से मिक्स करना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे वाटर ऐड करूँगी, या फिर आप गुलाब जल भी ऐड कर सकती हैं। तो इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि हमारे फेस पे इसे हम इवनली अप्लाई कर सकें, और एक मोटा लेयर आपको लगाना है, तो मैं आपको लाइव करके भी बताऊँगी यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वाटर ऐड किया है, ताकि जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी रनिंग हो जाए, और जिससे कि हम अपने फेस पर अप्लाई कर सकें। और थोड़ा सा आप इसमें रोज़ वाटर या फिर पानी ज़रूर ऐड करिए। तो इसे कैसे कंसिस्टेंसी प्रॉपर हो जाती है, तो फिर आप अपने इवनली स्किन पे लगा सकते हैं, स्किन की को लाइटनिंग, सन टैन अगर हो गया, सन बर्न अगर हो गए हैं, तो इन सारी चीज़ों से आपको निजात मिलेगा। मैंने देखा है कि जो स्किन पे पिगमेंटेशन वगैरह होते हैं उसे भी रिमूव करने का बहुत अच्छा काम करते हैं ये। तो इस तरह से एक ग्लो फेशियल मास्क मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो ग्लो फेशियल मास्क इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही जो वो ग्लो मास्क पाउडर ऐड किया है ना, तो काफ़ी अच्छे इसमें टाइनी टाइनी स्पार्कल से गोल्डन कलर की, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके स्किन के दाग धब्बों, पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, फ्रेकल्स को रिमूव करने के लिए। तो इसका आप यूज़ ज़रूर करिए। तो चलिए, जो हमारी कंसिस्टेंसी है आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक ब्रश लिया है और ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस पे इसे अप्लाई करूँगी। सबसे पहले बालों को आप अच्छे से ऊपर कर लीजिए, अदरवाइज़ ये चिपचिपापन होता है तो बाल आपके ना टूट के बाहर ना निकल जाए, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसे अच्छी तरह से अपने बालों को यू नो हाइड किया। और इसे मुझे लगाने के बाद सूखने के लिए कम से कम इसे 30 से 35 मिनट लग गए, और यहाँ पे मैं इसे रिमूव कर रही हूँ। इसमें से जितने भी ब्लैकहेड्स हैं ना दोस्तों, बहुत आसानी से निकलती हैं, और जो फेशियल हेयर हैं वो तो आप कह लीजिए कि अगर आप मेकअप करते हो ना, तो फेशियल हेयर अगर आपने रिमूव किया तभी आपका मेकअप बहुत अच्छा सा फ्लॉलेस लगता है इसीलिए। और निकालने का जो तरीका था आप लोग देख सकते हो, काफ़ी अमेजिंग रिज़ल्ट आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। और इसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा लीजिए अपने चेहरे पे, ताकि आपकी स्किन जो पोर्स ओपन हो जाते हैं वो क्लोज़ हो जाए, और जो दाग धब्बे हैं वो भी रिमूव हो गए हैं। तो बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट मिला है मुझे, एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, और आपका कमेंट जो भी रहेगा, फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ में। बहुत ही अच्छा सा ग्लो देखने के लिए मिलेगा आपको अगर आपने इसे 35 मिनट्स यूज़ कर लिया। तो इसी तरह से मैं बहुत सारे वीडियो ब्यूटी की टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगी बिंदु विद ब्यूटी चैनल पे। तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे।